हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे रहोगे। तो गाइस, बज रहे हैं 5-6 बज रहे हैं और जितिया पूजा स्टार्ट हो चुका है तलाव के पास। यस गाइस, पर मुझे लेट हो गया, मैं सो गई थी काम करने के बाद। आज मम्मी का फास्ट था तो सारा काम मुझे करना था, इसके लिए मैं सो गई। मैंने सोचा था कि जितिया पूजा का स्टार्टिंग से मैं ब्लॉग लूँगी, बट गाइस उधर थोड़ा सा हो गया है, चलते हैं। तो अभी जो भी हुआ रहेगा, जो भी बाकी मैं आपको शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ, चलते। वाइट तो मेरे को यहाँ पे ना छाला हो गया, तो बोलने को भी नहीं हो रहा है। गाइस, मम्मी का 3-4 बार फोन आ चुका, बोलती है कि तू कब से आ रही, जाने दे, आज मत आ, कल आना। अब उनको क्या बताऊँ कि मैं सो रही थी, फटाफट उठी, फ्रेश हुई, फिर अभी जा रही हूँ। मम्मी गुस्सा कर रही है, बोलती है ब्लॉग बनाना चाहिए था ये वो। वैसे गाइस, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, चलते उधर, देखो वहीं सामने जाना है। व्यू देखो कितना प्यारा दिख रहा है गाइज, ये देखो कितना रश है यहाँ पे। यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज, ये रही मम्मी मेरी। तो गाइज़, आप देखते होगे कि यहाँ पे सब कुछ लेडीज़ बैठी हैं गोला बना के, और मम्मी मेरी खड़ी है। मेरी मम्मी इसलिए खड़ी है क्योंकि हमारे में कुछ होता है कि जब भाई का शादी हो जाएगा फिर मम्मी ऐसे बैठ के पूजा करेंगी, बाकी व्रत वगैरह सब कुछ करती है। और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी लेडीज़ औरत, पापरे इतना भीड़ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं तो बस देख रही थी, मेरा खुद का फर्स्ट टाइम था ये कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे पूजा में गई थी मम्मी के साथ। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे देख के ये सब। गाइस, ये देखो मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी जहाँ भी जाती है उनको उनकी दोस्त मिल ही जाती है, फ्रेंडशिप हो ही जाती है उनकी। ये देखो जैसे कि ये आंटी मम्मी से बात कर रही है। उसके बाद मुझे मिल गई एक मेरी प्यारी सी फ़ैन, जो मुझे देखते ही पहचान गई, बोलती है आपको मत दीदी हो, तो फिर उसने मेरे साथ फ़ोटो लिया। सो फ्रेंड्स, पूजा हो गया है ख़त्म, और मैं जैसे ही निकल रही थी वैसे एक और बच्ची मिली और बोली दीदी फ़ोटो लेना है, तो मैंने बोला चलो भाई तुम भी ले लो। सो फ्रेंड्स, हो गया जितिया पूजा और मम्मी का तो हालत बहुत ख़राब है। यस गाइस, और पानी मम्मी को कल मॉर्निंग में 10 बजे के बाद पीना है, साइड है कुछ ऐसा, साइड के हिसाब से पीते हैं। तो मम्मी का हालत बहुत ख़राब है, मम्मी सोई थी जस्ट अभी बाहर गई। तो गाइस, ये ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड गाइस, आप लोग की मम्मी अगर फास्ट रखती है तो प्लीज़ आप लोग उनका केयर करो थोड़ा सा, क्योंकि ये फास्ट बहुत टफ होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है। तो कल का मम्मी रात का 12 बजे का पानी पी थी, कल पूरा रात गया, आज पूरा दिन गया, रात जाएगा, कल सुबह 10 बजे के बाद पानी पिएगी। तो गाइस चलो, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।